Hi Prerana, hi Shefali. Hello. Thank you for coming. Prerana, कितनी सारी थेरेपीज अवेलेबल है आजकल तो यू नो लाइक तो कैसा पता चले पेरेंट को कि क्या करना है, क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट आने लगता है फिर पता भी नहीं चलता किसके वजह से इम्प्रूवमेंट आया, यू नो, तो कैसे पता चले कि कौन सी थेरेपी करनी है, कैसे पता चले कि हम राइट बंदे के पास आए हैं, यू नो, कितने सारे लोग हैं, फ़ायदा उठा कोई भी उठा सकता है, यू नो, तो ये कैसे एक पेरेंट जो नया है जिसको अभी अभी डायग्नोसिस मिला है वो कैसे पता करे कौन सी थेरेपीज हैं? जहाँ तक मुझे पता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, कुछ अल्टरनेट मेथड्स हैं और फिर कुछ ऐसे हैं जो अब तक ट्रायल्स में चल रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स एंड ऑल। जो तनव को बेनिफिट किया है वो मैंने दिया है उसको ऑक्यूपेशनल और बिहेवियर थेरेपी, फिर हम उसका थेरेप्यूटिक लिसनिंग कर रहे हैं, आरएमटी कर रहे हैं और कई हद तक EFT से सरोगेट टैपिंग में हेल्प हुआ, तो ये सारी अल्टरनेट जो थेरेपीज मैंने की है उसमें हेल्प हुआ। कैसे कोई पेरेंट चूज़ करे, आई थिंक बच्चा आपको बता देगा। अगर बच्चा वो करते समय खुश है और इम्प्रूवमेंट भी है तो हम सही जगह हैं। अगर बच्चा खुश नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आई डोंट थिंक वो कंटिन्यू होना चाहिए। दैट इज, तो बेसिकली द चाइल्ड विल लीड यू, बच्चा आपको ना बता देगा कि ये बिना बोले वो बता देगा आपको। जब छोटा बच्चा रहता है 6 महीने का और उसको कुछ तकलीफ़ हो रही होती है, हम चीज़ें करके देखते हैं और हमको समझ आती है कि कौन सी चीज़ वर्कआउट करी है, ये भी वैसे ही है। सो पेरेंट का जो इंस्टिंक्ट होता है उस पर अगर जाए पेरेंट तो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन अच्छा उसके बच्चे को उससे बेनिफिट हुआ तो मैं वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। हाँ, तो हर पेरेंट चाहेगा कि उसके बच्चे को बेनिफिट करेगी, बट फिर सोच समझ के कदम उठाए कि बच्चे को नुकसान ना हो उस प्रोसेस में या फिर वो ट्रॉमेटाइज ना हो जाए उस प्रोसेस में। मतलब अगर मैंने कई अभी आर्टिकल्स भी पढ़े कि खुर्ची उची से बांध के अगर वो थेरेपीज करा रहे हैं और अगर बच्चा ट्रॉमेटाइज हो रहा है, मैं मेरे बच्चे को नहीं देखना चाहूँगी रोते हुए सुबह से शाम तक, और सो विच इज नॉट समथिंग विच आई विल डू। कैसे पता चलेगा आप सही बंदे के पास नहीं आए हो, कितना मुश्किल है ना, कितने सारे तो सेंटर्स हैं आजकल, और आजकल ऑटिज्म तो काफ़ी अच्छा बिजनेस बन गया। मैं एक पेरेंट से बात करी थी, वो कह रहे हैं हमारे ज़माने में इतना कॉमन नहीं था थेरेपीज, तो वो जाया करते थे ट्रैवल करके, अब तो जैसे हर गली में एक थेरेपी सेंटर है, तो कैसे पता चलेगा कि तुम सही बंदे के पास हो। जब मैंने शुरुआत किया तब तनाव किसी अनजान इंसान के पास जाता नहीं था, नए प्लेस से दिक्कत होती थी, तो जब मैं फर्स्ट टाइम लेकर गई थी थेरेपी को, मेरे गोद में था वो 2 साल का था और थेरेपिस्ट ने उसको प्यार से बुला लिया और वो उसके पास चला गया, तो मेरे को तभी लग गया हाँ मैं सही जगह हूँ। बट दैट इज़ हाउ आई गो अबाउट इट, कि मैं मेरा गट फीलिंग सुनूँ उसके बारे में एंड और मुझे फिर इम्प्रूवमेंट भी दिखने लग गया। कुछ लोगों को वीक्स में दिख जाता है, कुछ लोगों को डेज में दिख जाता है, मुझे मंथ्स में दिखा, 2-3 मंथ्स में, क्योंकि उसको सेटल होने को काफ़ी टाइम लगा। सो एटलीस्ट 3 महीना कहीं तो रुक के देखना चाहिए कि क्या फर्क आ रहा है। मतलब ऐसे भी ना करो कि 1 महीना गए फर्क नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, तो उससे भी बेनिफिट नहीं होगा कि बच्चे को सेटल तो होना। बट अगर साल भर जा रहे हैं और फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भी थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर आपने, क्योंकि आप उसका उतना प्रेशियस टाइम से वेस्ट हो रहा है जो इनिशियल ईयर्स है जहाँ पे एक्चुअली काम इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बेसिकली गट इंस्टिंक्ट जो मदरली इंस्टिंक्ट होती है वो एक, और दूसरा कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट, और मिनिमम एटलीस्ट 3 महीना रुक के देखो कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। आपको क्या लगता है? वेल मैं अग्री करूँगी, और ये है कि एक थोड़ा अपना खुद की तरफ से भी रिसर्च करके जाना और डॉक्टर्स को मिलना, जो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड डॉक्टर है उनसे मिलना, और एक मुझे लगता है कि जिन बच्चों को नीड्स हैं स्पेशल उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट रखना चाहिए, जैसे है एक पीडियाट्रिशियन होता है कि मैं हमेशा उसी पीडियाट्रिशियन के पास जाती हूँ, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हो, और आप हर 6 मंथ्स उनको विजिट करो, जैसे वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखे, तो ही विल बी अ बेटर जज, क्योंकि आपके साथ तो बच्चा हर रोज है, सेंटर भी हर रोज जा रहा है, तो वो बताएंगे कि क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको एक ओपिनियन मिलता है।
और एज अ पेरेंट तो आप जितना रिसर्च कर सकते हो और आप मतलब जो आप चाहोगे कि आप थोड़ा बॉम्बे जैसे शहर में एरिया का भी हो जाता है कि आप कितना दूर तक अपने बच्चे को लेके जा सकते हो एंड और फिर उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए. और दूसरी बात तो वही अफेक्शन मिलना चाहिए बच्चे को सेंटर में तो ही बच्चा काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा. वो डांट के गुस्से से आप थेरेपी नहीं करा सकते हो. मेरा साथ हुआ है एक बार हमने रहने के लिए एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट रखी थी एंड इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. घर पे ही आई थी वो और उनके जाने के बाद मेरी डॉटर 2 घंटा रोई एंड दैट वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और एंगर वाला मोमेंट था मेरे लिए वो. तो या मैं एक बार गो थ्रू कर चुकी हूँ तो दैट वाज अ मिस्टेक. सो बट या वो ही है कि बच्चे को प्यार से और एक्सेप्ट करके जो करें कराता है उसी में ज़्यादा फ़ायदा दिखता है. और एक मैं बोलना चाहूँगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अगर मुझे दिख नहीं रहा है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है. कई जगहों पे बोलते हैं पेरेंट्स बाहर बैठे वो एक बड़ी बात है. तो मैं तो बिल्कुल मैं एटलीस्ट कंफर्टेबल नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है. और उतना फ्रीडम होना चाहिए कि कब भी अंदर आके हम देख सके. अगर हम फुल टाइम नहीं बैठना चाह रहे हैं जी तो हम कभी भी देख सकते. काफी बार ऐसे होता है कि अगर पेरेंट्स है तो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है विच इज ओके तो हम बाहर बैठ सकते हैं बट हम पीप इन कर सकते हैं या फिर ग्लास से देख सकते हैं या फिर बट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. right. दूसरा थेरेपिस्ट ना हैंड इन हैंड जाना चाहिए कि अगर हम साथ में बैठते हैं थेरेपिस्ट के तो उसने पता चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट है अब घर पे ये करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा. तो वो ना जैसे पेरेंट को पता ही नहीं है करना क्या है, क्या तो है? क्या मतलब है? मतलब पेरेंट को लग रहा है कि हाँ सिर्फ स्विंग्स करा रहे हैं पर वो स्विंग्स क्यों करा रहे हैं, उसके साथ क्या एक्टिविटीज लेनी चाहिए, अगर मैं टीएल कर रही हूँ तो उसके साथ मुझे कैसे और एक्टिविटीज लेनी चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए. तो पेरेंट को भी ट्रेन होना चाहिए और थेरेपिस्ट ने भी ट्रेनिंग देनी चाहिए. सो इट हैज टू बी लाइक दोनों तरफ से, एक ही तरफ से. बस क्यों कर रहे हैं, कितनी बार लोग बोलते हैं झूले पे बिठा दिया पर वो झूले पे बिठा के करा क्या रहे हैं, वो मदर को भी पता होना चाहिए. तो अगर वो थेरेपिस्ट आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो दैट देन यू शुड नो कि आप गलत जगह पे. क्यों थेरेपिस्ट को ही नहीं पता है वो क्यों कर रहा है. राइट, वेरी ट्रू. शिफाली एक 2 बहुत सुंदर बेटियों की मम्मी है. प्रेरणा इज अ पेरेंट. प्रेरणा इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रोनर. प्रेरणा एक टिपिकल मुंबई गर्ल है जो कि लाइफ एन्जॉय करती है कम्प्लीटली.